व्हाट्सअप गाइस मानो आज फिर से आ गए रेड शेडो की वीडियो लेके। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों डूम टावर हमारा ख़त्म हो गया है और उसकी नई रोटेशन आई है जिसके अंदर हमारा जो आई थिंक शायद सबसे हार्ड अगर आप बॉस कहेंगे तो वो यही हवा है ड्रेड हॉर्न, जिसको बॉमल भी कहते हैं, जो आपके ऊपर डालता है बॉम्ब जिनको आप रिजिस्ट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते और ब्लॉक भी नहीं कर सकते। तो क्या क्या टेक्निक आपको यूज़ करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर शोकेस करेंगे जो हमारा आई थिंक ये वाला फ्यूजन था या सेकंड लास्ट फ्यूजन था, मुझे ध्यान नहीं है, जो हमारा चैम्पियन है ग्लायस द ग्लीफुल। तो क्या करता है आपको पता ही है कि ये लगाता है बॉम्ब लगाता है, स्लीप लगाता है और साथ ही साथ अपनी थर्ड टर्न पे बॉम्ब को चला देता है, इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देता है, साथ ही साथ बॉम्ब को रिफ्लेक्ट भी करता है जो 30% चांस है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि कितनी बारी में ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और शुरू करते हैं भैया बॉम्बर वाले बॉस पे, क्योंकि ड्रेड हॉर्न बॉस के अंदर सबसे ज़्यादा अगर आपको सबसे जल्दी डैमेज करना है तो आई थिंक आप बॉम्ब वाले चैंपियन ही यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक शायद बेस्ट टीम्स के अंदर भी शायद लोगों ने यूज़ किया होगा अगर मेरे को ध्यान होती है। देखिए ये बॉम्ब चैंपियन है, ये बॉम्ब चैंपियन है, ग्लास बॉम्ब चैंपियन है, मदर क्या नाम, मदर सुपीरियर क्या नाम है इसका, वॉर मदर, इसका ये भी बॉम्ब चैंपियन है। तो आप देखेंगे सबके पास ऑलमोस्ट सारे के सारे बॉम्ब चैंपियन है, जल्दी जल्दी बॉम्ब डेटोनेट होते हैं और कितना डैमेज होता है। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और आई थिंक मुझे कुछ टीम को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं दिखाऊं, मैं अभी नॉर्मल ऐसी ही इस वाली टीम से मैंने करा है 120 टर्न्स के अंदर 5 मिनट के अंदर, तो कुछ टीम के अंदर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे जो हम करेंगे। ये वोगोथ हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इसकी एफिनिटी जो है वो मैच नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा डैमेज ये लेगा और जल्दी से ये मरने का चांस इसका बढ़ जाएगा। साथ साथ अटैक चैम्पियन है तो ऑलरेडी उसकी एचपी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। हम इसके अंदर एचपी के चेस्ट ग्लव्स वगैरह नहीं भर सकते क्योंकि फिर इसका जो है फ़ायदा रहेगा नहीं, क्योंकि अटैक वे चैंपियन है, बॉम्ब का जो डैमेज होता है रॉ वो हमारा अटैक परसेंटेज से ही होता है, तो हम इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अभी मैं आपको इसकी बिल्ड दिखाता हूँ मैंने कैसे बिल्ड करी है और आपको पता चल जाएगा कहाँ गया भैया। ये मेरी बिल्ड है, इतनी है, काफ़ी ज़्यादा अटैक है, स्पीड भी अच्छी खासी है और एक्यूरेसी मैंने एकदम दबा के भर रखी है। मास्टरीज आपको दिखाऊं तो आप चाहें तो, अगर आपको दिक्कत हो रही हो आपकी एक्यूरेसी 350 के आसपास हो तो आई थिंक आपको वॉर मास्टर जा सकते हैं, आपको डैमेज जो है थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मैं एक्यूरेसी चाह रहा था क्योंकि मैं इसको स्पेशली बिल्ड किया था रीना के लिए, तो मैं अभी चेंज नहीं करने जाता भाई क्योंकि फिर मुझे एक बार तो फ्री का रिसेट कर लूँगा, उसके बाद मुझे जेम्स करने पड़ेगा और मैं फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ तो मैं जेम्स को बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैं ईवल आई किया एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के लिए, बाकी थोड़ा डैमेज है इस तरीके से आप बिल्ड अपने तरीके से कर सकते हैं। फुल्ली मैंने बुक कर रखा है, आई थिंक नहीं कर रखा। ओके ओनली ये वाली स्किल हमारी नहीं है इसके अंदर, आई थिंक मैं कर लेता हूँ। चलो वैसे तो मैं वेट करता हूँ उसकी, पर इसको फिर भी मैं बुक कर लेता हूँ। ओके तो यार स्किल हमने कर ली है बुक, क्लैन वर्सेस क्लैन की मैंने वेट नहीं करी और हमारी जो मेन स्किल भी हो गई है बुक। और A2 तो हमें 100% बुक चाहिए ताकि जो 100% चांस हमारा हो जाए बॉम्ब को लगाने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं बैटल को। कहाँ गए भाई, डेड हॉर्न गए, डूम टावर गए, यहाँ गए एंड टीम में बता रहा था कौन सी यूज़ करनी है। आपके पास रेक्टर डाथ हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक अच्छा रिवाइवर ले सकते हैं जैसे कि सीफी हो गया, ताकि वो रिवाइव भी करे और परफेक्ट वाइल के अंदर डैमेज भी आपको कम मिलता है। तो रेक्टर डाथ थोड़ा आसान चैंपियन है क्योंकि एपिक चैंपियन आपको मिलने में आसानी होगी। साथ साथ लीड के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ी ज़रूरी हो जाती है हमारी। अभी नया नया है, स्टेज 10 का है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप आगे जाएंगे तो आने वाले स्टेज पे 50 और 90 के अंदर तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा रेजिस्टेंस। तो आई थिंक आपको लीड पे इसको लगाना चाहिए, साथ साथ डॉक्टर डाज जो है अपने पैसे से भी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है। अब हम यूज़ करेंगे हमारा ग्लायस कांगे भाई, और इसके साथ कौन सा चैंपियन आप यूज़ कर सकते हैं ये आप एक और चाहें तो एक और वोगोथ भी लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं मास्टर बुचर को, जो कांगे भाई रहा जो हमारा एक और हील करता है जब भी कोई इसको करता है डैमेज, तो फुल्ली हील करता है बॉस के जो छोटे बॉम्ब होते हैं उनके लिए बॉस का डैमेज तो नहीं करता, तो अच्छी खासी हीलिंग भी। आप मास्टर बूचर को भी लगा सकते हैं
मैं किसी और जेमिन को लगाने वाला हूँ जिसका मैं नाम भूल गया भाई, कहाँ गया? ओके, या मैं मिर्थाला को यूज़ करना चाहता हूँ। आप चाहें तो किसी और को भी कर सकते हैं, या आई थिंक हम लीडिया को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लीडिया लगाती है वीकन और डिग्री डिफेंस, और वीकन डिग्री डिफेंस से आपका जो है डैमेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए ये वाली टीम हम ट्राई करते हैं कितना डैमेज करती है और कितनी जल्दी करती है। एक बार मैंने भी ट्राई किया था, जो ग्लास था वो ऑटोमेटिक पे बॉस के ऊपर जो है बॉम्ब्स नहीं लगा रहा था, तो शायद मुझे बॉम्ब एक बार बॉस के ऊपर मैनुअल लगाना पड़ेगा ताकि हम देख पाएँ। तो देख सकते हैं सबके ऊपर लग गया है बॉम्ब। 500 एक्यूरेसी होने के बाद भी हमारा ये क्या नाम है ब्रैकस के ऊपर जो है बॉम्ब नहीं लगा, पता नहीं क्यों लगा, मे बी एफिनिटी चेकर में हुआ हो। ओके, तो ये लीडिया से फ़ायदा हुआ ताकि ब्रैकस जो है हमारा रिवाइव नहीं हुआ। और देख सकते हैं नो क्रिटिकल डैमेज, नो क्रिटिकल रेट, एकदम वैसे मैंने इसको बिल्ड किया है ग्लास को। तो जल्दी से अगर हम यार इसको मार दें तो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, और इस वाली वेव को भी हम जल्दी से क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसके बॉम्ब लगा लिए जो इसने एकदम इग्नोर कर दिए भाई। 500 एक्यूरेसी भाई कितनी लगाऊँ मैं? ओके, तो आई थिंक अब इसको बॉम्ब लगाना चाहिए सबके ऊपर, और होपफुली बॉम्ब का डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास जो है नॉर्मल एनिमीज के ऊपर होता है, और बॉस के ऊपर भी आई थिंक इतना ही होना चाहिए। रेटी में अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई भी हमारा डैमेज नहीं चल रहा। साथ साथ जो है इसकी A1 क्या नाम था यार चैम्पियन का, भाई मैं नाम कैसे भूल रहा हूँ यार, ये भी फ्यूजन चैम्पियन था, अभी इसको बाद में दिखा दूंगा। जो हमारी A1 पे डिक्रीज एक्यूरेसी लगाता है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ताकि ड्रेड होम जो बॉम्ब अपने हमारे ऊपर जल्दी से ना लगा पाए। और ये हम चल रहे हैं, ये हमने बॉम्ब को लैंड कर दिया। एक और इसका पैसे काफ़ी अच्छा है, अगर ये मर भी जाता है तो सारे के सारे बॉम्ब जो है एक साथ डेटोनेट हो जाएंगे, तो ये एनिमीज काफ़ी ज़्यादा मर जाएंगे, और रेक्टर डार्ट जो है हमारे वापस ग्लास को ज़िंदा कर देगा। तो एक और ख़ास बात रेक्टर डार्ट की ये है कि वो रिवाइव भी करती है, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, ये हमने चलाओ, देखेंगे कितना बढ़िया डैमेज करा एक हिट के अंदर, एनिमी को निपटा दिया है। पर मेन हमारा मोटिव जो है वो बॉस का है, तो मैं इसको कर देता हूँ 2x स्पीड पे, ताकि आप देख सकते हैं, आप चाहे तो पॉज वगैरह भी कर सकते हैं कि बॉब कितना डैमेज जो है हमारा करता है। ओके, बहुत सारे बॉम्ब लग गए भाई साहब, एकदम बैड एल के जैर के ऊपर, एंड आई थिंक ये बस मरने ही वाले हैं। चलो भाई, ओके ही इज डेड। ओके, तो बॉस के ऊपर आ गए हैं, अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक पे हमारा बॉम्ब लैंड करता है कि नहीं। लगे इससे पहले मैंने ट्राई किया था उसके ऊपर बॉम्ब लैंड नहीं करे थे, अब शायद कर दे, उसकी गारंटी नहीं है। ओके, डिग्री 21 लैंड हो गई है हमारी, इसका फ़ायदा क्या होगा कि बॉम्ब अगर वो ट्राई करने की कोशिश करेगा तो उससे क्या होगा कि आप जो हैं क्या कहते हैं आपके वो बॉम्ब लगने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये हमने करा है, और इसको चलते हैं वीक। अरे इसने क्यों नहीं लैंड किया, मुझे समझ नहीं आ रही, हमारी लीडिया ने अपनी A3 यूज़ नहीं करी, क्यों हमें नहीं मालूम। तो मुझे एक बार ज़रा मैन्युअली करनी पड़ेगी ताकि जो है वो वीकन वगैरह लगाए तो बढ़िया हो जाएगा मान लिए। एंड ये हमने चला भाई लीडिया आंटी, चलो। एंड अब जो इसका आगे मेन स्किल, अभी हमने इसके ऊपर लगा दिए बॉम्ब सबके ऊपर, और अब देखते हैं कितना डैमेज जो है लेता है। 2 टर्न्स में डेटोनेट करता है, पर अगर इसकी A3 चलेगा तो ये जो है काफ़ी अच्छा डैमेज जो है प्रोवाइड करेगा। और अब देखते हैं, चलिए देखते हैं जल्दी से, और अपनी जो है A3 इसकी आ गई है, और अरे भाई A3 चलनी है मेरे भाई, कहाँ ध्यान है। ओफ, ओके, मे भी शायद अब मौका मिले, पर अब जो है हमारे बॉमल की टर्न आने वाली है, और जैसे ही टर्न चलेगा आप देख सकते हैं कि इसको कितना डैमेज होगा। और ये देखिए 1,20,000 के आसपास जो है डैमेज हुआ, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो छोटे वाले बॉम्ब है वो हमारे डैमेज नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनका डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, मेन डैमेज जो होता है बॉमल का ही होता है। और ये फिर से हमने बॉम्ब जो है लगा दिए हैं। क्या एक और चीज़ चेक करनी है कि वोकोथ का A1 जो है वो लैंड का इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ जो है इसकी करता है डिबफ, वो बॉम्ब को बढ़ाता है कि नहीं, ये हमने करके देखा है। तो बॉम्ब को उसने नहीं बढ़ाया, पर वीकन को उसने बढ़ा दिया है। ओके, लेट्स सी एंड अप की A3 को। ओके, अब देखते हैं, चल रहे हैं बैटल को देखते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी मेन डैमेज डीलर नहीं है इस टीम के अंदर, सारा डैमेज जो है हमारा ग्लास ही कर रहा है। मैं बैटल को ऑलरेडी ऑटो पे छोड़ देता हूँ, और आपको दिख जाएगा ऑब्वियसली मेरी बिल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है बाकी चैंपियंस की, पर अगर आपकी बहुत अच्छी बिल्ड भी नहीं है तो आप एटलीस्ट आप
स्टेज 10 तो आप कंप्लीट कर ही जाएंगे। आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हाँ, एक दो चैंपियन चाहिए होंगे, आपके पास लीडिया नहीं है तो भी आपका काम चल सकता है। मास्टर बूचर लगा सकते हैं, डबल वोगोथ लगा सकते हैं। ये कौन सा चैंपियन है, इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसका नाम भूल गया यार, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये वाला चैंपियन आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, पर रेक्टर डास अगर आपके पास हो तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इसके अंदर। और हो गया, चलिए भाई, एंड आई थिंक अब जो है हमारा काम हो जाना चाहिए। ये हमने बॉम्ब लगाया पर उसने रिजिस्ट कर लिए हैं, आई थिंक क्यों, आई डोंट नो क्यों करें, क्योंकि 500 क्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक शायद डिग्री रेजिस्टेंस का अगर आपके पास चैंपियन हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी डिग्री रेजिस्टेंस का चैंपियन है जो हमें गेम के अंदर फ्री मिला है। आई थिंक क्या नाम है उसका, डेलीमा डेलीमा डेलियाना डेलियाना जो नया चैंपियन है डिग्री रेजिस्टेंस करती है, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसके अंदर। आई थिंक उसके लिए भी मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, पर मुझे उसको बिल्ड करना पड़ेगा जो मैंने उसको बिल्ड नहीं किया। तो अभी हमारी ये वीडियो इसके ऊपर ही है और देखते हैं कितना डैमेज करता है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अगर मेरे एवरेज निकालूँ तो आप देख सकते हैं बीच में थोड़ा सा हमने पॉज और नॉर्मल भी छोड़ा था, तो फुली 4.5 मिनट या 5 मिनट के आसपास में हमारी बैटल जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। और एक और चीज़ ये हुई कि हमारा जो है बॉम्ब्स को रिजिस्ट कर लिया है बॉमल ने, मे बी एफिनिटी के चक्कर में हो, रॉन्ग एफिनिटी के चक्कर में, इसलिए शायद उसने छोड़ दिया हो, बाकी कोई रीज़न नहीं। अगर वो एडजस्ट से सारे के सारे बॉम्ब्स अगर लैंड होते तो आई थिंक बढ़िया हो जाता हमारे लिए और ये बैटल और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती। तो ये मैंने करा है, अगर आपके पास ये चैंपियन आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, पर आपको सपोर्ट चैंपियंस काफ़ी अच्छे चाहिए। और आई थिंक ये बैटल जो हमारी ख़त्म हो गई है, डैमेज अगर हम देखें तो ग्लाइस का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा डैमेज इसी का ही है भाई, और किसी ने डैमेज नहीं किया, थोड़ा वोगोथ ने भी किया है क्योंकि इसकी एफिनिटी जो है वो हमारी, क्योंकि इन दोनों की एफिनिटी क्या, टटुरा हमारा चैंपियन है, ये आपको आई थिंक यूज़ है क्योंकि फ्यूजन का चैंपियन था, आई थिंक कई लोगों के पास हो भी सकता है। कहाँ गया भाई ये रहा, अरे कांग अंकल या, तो ये अपनी A1 पे डिग्री रखी थी लगाता, आपको इसकी भी हेल्प मिल सकती है। आई थिंक आप इस चैंपियन को 100% यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट चैंपियन अगर आपके पास अच्छे हों, बुक करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको ग्लास को, और आप जो है बॉमल वाले बॉस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आई थिंक अभी के लिए इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।